मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में महाराष्ट्र से आए एक वाहन चालक को यातायात नियमों का उल्लंघन करना बहुत भारी पड़ गया। आपको बता दें कि जिले के सबसे व्यस्ततम शनवारा चौराहे पर चालानी कार्रवाई के दौरान महाराष्ट्र से आए कार चालक ने सिग्नल तोड़कर भागने की कोशिश की, जिसके चलते यातायात पुलिस द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन इसी दौरान कार चालक ने यातायात पुलिस के साथ अभद्रता की, जिसको देखते हुए यातायात पुलिस ने चालानी कार्रवाई करते हुए उस उपद्रवी कार चालक पर हजारों का चालान बना दिया। इसी क्रम में प्रत्यक्षदर्शी समाज सेवी डॉक्टर आनंद दीक्षित ने बताया कि शनवारा चौराहे पर एक चालक यातायात पुलिस के साथ गाली गलौज कर रहा था और धमकियां दे रहा था, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई। बुरहानपुर से संवाददाता गोपाल देवकर की रिपोर्ट। एक फोर व्हीलर है, MT18W2064, इसके बीमा नहीं है इसके पास में, जिस बीमा नहीं होने से इसके ऊपर चालानी कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन उसके द्वारा चालानी कार्रवाई नहीं करने के संबंध में विवाद किया जा रहा था, पेमेंट नहीं होना बता रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई की। महाराष्ट्र की पासी गाड़ी है, क्या नाम है चालान, इसको रोकने के लिए जो है पुलिस का बाकायदा है, मेरा नाम है निशिकांत, निशिकांत यहाँ आती है तो गाड़ी वहाँ जाके उनने रोकी, वो पहले जब सीटी हिली बाहर उसके बाद में उससे गाड़ी रुकी आपको, और उसके बाद में जब उनसे बोला कागज दिखाओ, कागज क्यों दिख नहीं रहे तो ऑनलाइन, और उससे जब चालान की बात करेंगे तो अलग है कि ऑनलाइन ही आपको देना पड़ेगा, मैं ऑफलाइन चालान आपको नहीं दूंगा, अब बुरहानपुर में ऑनलाइन चालान नहीं करता, उन्होंने आपको ऑफलाइन करना पड़ेगा, इन्हें भी जो है वहाँ पे लूटने लग गया, गालियाँ देने लग गई पुलिस को, गंदी गंदी बात इनकी, और उसके बाद फिर जो है सूबेदार साहब आए हैं, अब चालान में कार्रवाई चल रही है।